इंशाल्लाह भाई, आज की क्लास में हम जो है वेक्टर्स को कंटिन्यू करना है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस पढ़ेंगे। स्क्यू लाइंस कैसे रहते हैं? अब ये दिखने में पैरेलल नहीं दिख रहे, लेकिन ये क्या है? तब दो लाइंस, अगर सपोज ये दो लाइंस है ना, ये पैरेलल नहीं है लेकिन क्या है, एक प्लेन पे नहीं है तो इंटरसेक्ट ना होते, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, सपोज ये उंगली से बता रहा, तो डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। टू पैरेलल लाइंस विच आर नॉट ऑन ए प्लेन, एक ही प्लेन पे नहीं है, दोनों अलग अलग प्लेन पे हैं, तो ऐसे लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है उसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, सपोज एक लाइन का इक्वेशन है आर इक्वल्स टू ए प्लस टी वी, दूसरे का इक्वेशन है आर इक्वल्स टू एस प्लस सी प्लस एस डी। ये टी और एस क्या है? ये कॉन्स्टेंट से है ना, पैरामीटर से है ना, स्केलार से, उससे कुछ भी नहीं होता। टी लिखो और लामड़ा लिखो, म्यू लिखो, तो ये दो है ना ए और बी वेक्टर्स हैं, यहाँ पे सी और डी वेक्टर्स हैं। तो दो फॉर्मूलेस, दो वेक्टर्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस आर इक्वल्स टू ए प्लस टी बी एंड आर इक्वल्स टू एस प्लस सी प्लस एस डी, इस फॉर्मूला याद कर लेना। मॉड ऑफ बॉक्स सी माइनस ए बी डी, सी माइनस ए बी डी बाई मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, डी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बॉक्स सी माइनस ए बी डी बाई मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स। अब दो लाइन्स जरा देखिए अपन, पहला लाइन क्या है, आर इक्वल्स टू, ये एक लाइन है एंड आर इक्वल्स टू दूसरा लाइन, इसको कंपेयर कर लेंगे अपन। पहला लाइन क्या दिया, देखिए आर इक्वल्स टू सिक्स आई प्लस टू जे प्लस टू के प्लस लामा इंटू आई माइनस टू जे प्लस टू के, इसको इक्वेशन से कंपेयर कर लो, आर इक्वल्स टू ए प्लस टी बी हो जाए, लामड़ा भी दे रहा, उससे कुछ भी नहीं होता। तो ये वैक्टर ए है वैसा, ये वैक्टर बी है वैसा, तो वैक्टर ए क्या हो गया सिक्स आई प्लस टू जे प्लस टू के, और वैक्टर बी क्या हो गया आई माइनस टू जे माइनस टू के। वैसे दूसरा इक्वेशन दिया, इसको सी प्लस म्यू डी से कंपेयर कर लो, तो सी हो गया फोर आई माइनस के और डी क्या हो गया थ्री आई माइनस जे माइनस टू के, ठीक है। अब ये सॉरी यहाँ पे माइनस फोर है, यहाँ पे माइनस फोर, तो सी हो गया माइनस फोर आई माइनस के और डी हो गया। तो अब पहले फॉर्मूला डालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, लाइंस बोलो या स्क्यू लाइंस बोलो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो, एक ही बात बोले सर, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बॉक्स सी माइनस ए बी डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, देखिए एक एक चीज मालूम करेंगे, पहले सी माइनस ए मालूम कर लो, उसके बाद बॉक्स ऑफ सी माइनस ए बी डी मालूम कर लो, उसके बाद बी क्रॉस डी मालूम करेंगे, उसके बाद मॉड ऑफ बी क्रॉस डी मालूम करेंगे। अब सब आगे बात उसको सब छुट कर, तो कहाँ से स्टार्ट करना, पहले सी माइनस ए से, सी माइनस ए इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास माइनस फोर आई माइनस के, सी माइनस ए यानी पूरों को माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू प्लस माइनस सिक्स आई माइनस इंटू प्लस माइनस टू जे माइनस इंटू प्लस माइनस टू के। अब ये हो गया, देखो सॉल्व करना है क्या आएंगे, बोलिए माइनस फोर आई माइनस सिक्स आई माइनस टेन आई माइनस टू जे, तो एक ही है माइनस टू जे माइनस के माइनस टू के माइनस थ्री के, तो ये हो गया हमारे पास c माइनस ए आ गया। अब बॉक्स ऑफ c माइनस ए बी डी मालूम करेंगे, बॉक्स का साउंड करते पहले समझा रहा मैं, डिटरमिनेंट ले लेना, पहले c माइनस ए है ना, तो c माइनस ए की कोफिशियंट्स माइनस टेन माइनस टू माइनस थ्री, उसके बाद b है तो b के कोफिशियंट्स कहाँ पे है, b यहाँ पे है ना वन माइनस टू वन माइनस टू, फिर उसके बाद d है तो d के कोफिशियंट लिख लेंगे, डी क्या है हमारे पास थ्री माइनस टू माइनस टू, इसको सॉल्व करो माइनस टेन इंटू, ये दो मल्टीप्लाई करना याद है ना, जब टेन लेते हो तो टेन को कॉलम छोड़ा, ये दो मल्टीप्लाई करना माइनस टू माइनस टू टू जो फोर माइनस लिख के, फिर ये दो मल्टीप्लाई माइनस फोर, फिर से माइनस हटाना तो प्लस फोर हो जाएगा पहला स्टेप, फिर उसके बाद इसको साइन चेंज कर लो, माइनस टू है ना प्लस टू लिख डालो, हमेशा बीच वाले का साइन चेंज कर दे, ये दो मल्टीप्लाई करो प्लस इंटू माइनस माइनस टू वन जो टू माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री टू ज़ा सिक्स, प्लस लास्ट में कौन सा नंबर है माइनस थ्री, इसको कॉलम छोड़ा लो प्लस इंटू माइनस माइनस टू माइनस लिख के, फिर थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, फिर से माइनस आ रहा तो माइनस माइनस प्लस सिक्स वाला। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आएंगे, देखिए फोर प्लस फोर एट, एट टेन ज़ा एटी माइनस एटी माइनस एट इंटू टू माइनस सिक्सटीन, सिक्स माइनस टू फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, कितना आएंगे देखिए माइनस एटी और माइनस ट्वेंटी, माइनस कितना हो रहा है ये माइनस सिक्सटीन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट, तो माइनस वन नॉट एट। तो पहला फॉर्मूला आ गया अपने को, पहला क्या है, पहले सी माइनस ए मालूम कर लिए, फिर बॉक्स मालूम कर लिए, अब बी क्रॉस डी फिर मॉड ऑफ बी क्रॉस डी, तो पहले बी क्रॉस डी मालूम कर लेंगे,
बी क्रॉस डी। देखिए बी क्रॉस डी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा हम करते हैं लास्ट क्लास में बताया, थोड़ा फर्क था बस। पहले फर्स्ट रो में यहाँ पे नंबर आते हैं ना, बी क्रॉस डी में फर्स्ट रो में आई जे के। अब उसके बाद बी है ना, बी के कोफिशियंट यही है ना, यही होते हैं। बी के कोफिशियंट क्या है, 1-2, 2, 1-2, 2। और सी के कोफिशियंट, फिर सी के कोफिशियंट क्या है हमारे, सॉरी बी और डी, डी के कोफिशियंट क्या है, 3-2-2 इक्वल्स टू आई इन टू -2 -4, -1 -4। जे को हमेशा माइनस में लेना, -j इंटू -1 इंटू -2 -2, -6 प्लस लास्ट में के इंटू क्या लिखेंगे, -2 -1 +6, -2 -1 +6। तो ये आ गया अपने को बी क्रॉस डी। दे फोर बी क्रॉस डी इक्वल्स टू 4 + 4 8i, -8 -1 +8j, +2 -6 4k। अब ये भी आ गया, अब इसका मॉड माउंट करना। मॉड बोलते हैं मैग्नीट्यूड, लेंथ, पहले समझाया था मैं, मॉड यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोलो या लेंथ बोलो, कैसे बोलो एक ही बात, अंडर रूट ऑफ क्या करना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कम करते हैं, रूट में क्या करना, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेकिन क्या नहीं लेंगे हम जो है, हाँ आई जे के नहीं लिखेंगे, खाली क्या करेंगे, स्क्वायर्स लेंगे। अब देखो कैसा करेंगे, पहले क्या करना, 8 स्क्वायर आई नहीं लिखेंगे, +8 स्क्वायर +4 स्क्वायर। एक तो उसको एक्सपैंड कर लो, दूसरी चीज क्या है, ये 4 से कॉमन ले लो, 4 कैंसिल होता ना, 4 स्क्वायर कॉमन ले ले समझो, तो 4 2 8 होता, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बचता, +4 2 8 होता, 2 स्क्वायर बचता, +1 स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर कैंसिल होता, 4 × 2 स्क्वायर 4 + 2 स्क्वायर 4 + 4 8 8 + 1 9, √9 होता, 3 3 4 12। अब मॉड भी आ गया, दे फोर डिस्टेंस के फॉर्मूले में सबसे क्या लेंगे हम, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बॉक्स सी माइनस ए बी डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये मान के लिए हम ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या है, -108। मॉड क्यों है, डिस्टेंस माइनस में नहीं आना इसलिए मॉड लगाते हैं। मॉड ऑफ बी क्रॉस डी क्या आ गया, 12। अब देखिए ये मॉड क्यों रहता है, डिस्टेंस माइनस में नहीं आना क्योंकि मॉड लगाते हैं, तो ये माइनस नहीं लेना हमेशा, मॉड में जब माइनस आता है तो माइनस को छोड़ देना, खाली मैग्नीट्यूड ले रहे ना, तो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। डिवाइड बाई 12, ये 108/12, तो 108/12 12 के टेबल में डायरेक्ट जाता ना, 12 लाइन्स यूनिट्स ही डालो, डिस्टेंस है तो यूनिट्स, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, और वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा हम समझना, इससे पहले क्या हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स बोल के लाइन्स के इक्वेशन दे रहा था। अब क्या कर रहा है, लाइन का इक्वेशन देने के बजाय लाइन के दो पॉइंट्स दे रहा हूँ, सपोज ए बोल रहा है, ए बोल तो ओ ए से बताना वेक्टर्स में, बी यानी ओ बी सपोज, तो एक बार रिवाइज कर लो। अब क्या है, लाइन का इक्वेशन आ गया तो जैसा अभी फॉर्मूला यूज करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन पॉइंट्स या तो पहले इक्वेशन ऑन करें, तो दो पॉइंट्स है तो लाइन का इक्वेशन क्या आता है ना, आर इक्वल्स टू ओ ए, आर इक्वल्स टू ओ ए प्लस ये दोनों को माइनस करना, ओ बी माइनस ओ ए कॉन्स्टेंट टी, टी इंटू ओ बी माइनस ओ ए। तो पहले इक्वेशन वन कर लेंगे, फिर उसका सेम मेथड, वैसे दूसरी लाइन का इक्वेशन दे रहा, पॉइंट दे रहा सपोज ओ सी ओ डी, तो इसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे, आर इक्वल्स टू ओ सी प्लस इसको माइनस कर लेना, ओ डी माइनस ओ सी, उसका कॉन्स्टेंट टी यूज करें, इसका कॉन्स्टेंट एस यूज कर लो, उसके बाद सेम मेथड रहेंगे। तो अब कैसा स्टार्ट करेंगे, देखो ये क्वेश्चन खाली इक्वेशन जब आ जाएंगे उसके बाद सेम मेथड रहेंगे। अब यहाँ पे देखो भाई, फाइंड द इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो ए बी का इक्वेशन है दिया, ए और बी दो पॉइंट दिया, वैसे सी डी का इक्वेशन है दिया, तो हम पहले ए बी का इक्वेशन ऑन कर लेना फिर सी डी। अब कैसे लिखना हो, ए नहीं लिखेंगे हम, ओ ए लिखेंगे वेक्टर्स में, कैसे लिखते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ इज ओ ए, आई माइनस टू जे माइनस के, 4i, जे नहीं है छोड़ा लो -3k, आई प्लस 2j - k, 2i - 4j - 5k, इधर है ना। सबसे पहले अब इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी इज आर इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ ए, इसके साथ कांस्टेंट क्या ले रहे हैं हम, टी लिख रहे हैं ना, यहाँ पे डालेंगे प्लस टी इंटू, तो आर इक्वल्स टू ओ ए, ओ ए की वैल्यू है हमारे पास i - 2j - k प्लस टी इंटू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी है 4i - 3k ओ बी माइनस ओ ए, यानी तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना,
माइनस इंटू प्लस माइनस आई माइनस वनस प्लस टू जे माइनस वनस प्लस के, तो ये हो जाएगा आई माइनस टू जे माइनस के प्लस टी इंटू फोर आई माइनस आई हो जाएगा थ्री आई, जे तो एक ही है प्लस टू जे, यहाँ आएगा प्लस टू जे प्लस टू जे माइनस के प्लस के माइनस थ्री के प्लस के माइनस टू के, ठीक है जरा क्लियर डालेंगे ठीक है। आर इक्वल्स टू आई माइनस टू जे माइनस के प्लस टी इंटू टू आई फोर आई माइनस आई सॉरी थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के। अब पिछले लिहाज से कंपेयर कर लो, हम पिछला कैसा लिखे थे अपन इसको, इसको ऐसा लिए थे हम आर इक्वल्स टू ए प्लस टी, तो लेट ए ले लो, ए वेक्टर आ गया आई माइनस टू जे माइनस के, वैसे बी वेक्टर क्या आएगा बोलिए, बी भी सपोज कर लो, बी आ गया समझो हमारे पास ये है ना बी थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के, ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर कंपेयर करके ए और बी मान कर लिया, अब वैसे क्या करना बोलो, इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया ना इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम सी डी इज इक्वेशन ऑफ सी डी इज आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे ओ सी प्लस, दोनों को माइनस कर लो ओ डी माइनस ओ सी इंटू एस, तो यहाँ इसको भी सब्स्टिट्यूट क्या लेंगे हम आर इक्वल्स टू ओ सी, ओ सी की वैल्यू ऊपर लिखे हुई है, ओ सी की वैल्यू ये है हमारे पास आई प्लस टू जे प्लस के प्लस ओ डी एस इंटू एस, पहले लिख लो अच्छा तो ओ डी, ओ डी की वैल्यू है टू आई माइनस फोर जे टू, ओ सी की वैल्यू है सॉरी आई प्लस टू जे माइनस के माइनस के, फिर प्लस एस इंटू ओ डी, ओ डी की वैल्यू है टू आई माइनस फोर जे माइनस फाइव के माइनस ओ सी, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा माइनस आई माइनस आई माइनस टू जे माइनस टू जे माइनस ऑनस प्लस के, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू आई प्लस टू एस माइनस के प्लस एस इंटू टू आई माइनस आई आई माइनस फोर जे माइनस टू जे माइनस सिक्स जे माइनस फाइव के प्लस के माइनस फोर के, तो ये सी ले लो ये डी ले लो लेट बोल के सी सॉरी लेट सी इक्वल्स टू आई प्लस टू जे माइनस के डी इक्वल्स टू आई माइनस सिक्स जे माइनस फोर के। अब यहाँ से पिछला क्वेश्चन हो गया सेम ए बी सी डी आ गया ना हमारे पास, देयरफॉर एक बार फॉर्मूला लिखेंगे हम, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ए बी एंड सी डी इज आर इक्वल्स टू फॉर्मूला के लिए मोड ऑफ बॉक्स सी माइनस ए बी डी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ बी क्रॉस। अभी देखे थे ना पहले क्या मालूम करना, सबसे पहले सी माइनस ए मालूम करना, तो सी माइनस ए इक्वल्स टू सी की वैल्यू ऊपर लिखे हुई है, ऊपर से लिख ले रहा हूँ यहीं लिखे हुए ना सी, तो आई प्लस टू जे माइनस के सी माइनस ए, यानी ए को माइनस से मल्टीप्लाई करना, ऊपर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे है ए देख लीजिएगा, तो ए है ना माइनस इंटू प्लस माइनस आई हो जाएगा माइनस ऑनस प्लस टू जे माइनस ऑनस प्लस के, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए कैंसिलेशन सुना देखो, प्लस आई माइनस आई कैंसिल माइनस के प्लस के कैंसिल टू प्लस टू फोर फोर जे सॉरी फोर जे, तो बॉक्स सी माइनस ए के वास्ते सी माइनस ए माउंट कर लेना, पूरा बॉक्स माउंट कर लो, बॉक्स सी माइनस ए बी डी इक्वल्स टू पहले सी माइनस ए के कोफिशिएंट लेना, खाली जे बचा हो इसमें आई नहीं है ना इसलिए जीरो, सी माइनस ए के कोफिशिएंट्स जे क्या है फोर, के भी नहीं है ना जीरो, फिर बी, बी की वैल्यू ऊपर से ले लेंगे हम, बी की वैल्यू है थ्री टू माइनस टू, फिर सी, सी की वैल्यू यहाँ पर ही है ना वन टू माइनस वन वन टू माइनस वन। अब देखो जीरो इंटू ए नंबर जीरो छोटा, ये क्या लिखते हैं ये भी जीरो है, जीरो इंटू ए नंबर जीरो, जीरो इंटू ए नंबर जीरो, खाली फोर बचा ना, लेकिन बीच वाले के लिए साइन माइनस यूज करते हैं, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस माइनस टू माइनस वन प्लस टू टू माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन माइनस टू माइनस प्लस फोर, तो ये न्यूमेटर आ गया अपना। अब डिनोमेटर के लिए पहले बी क्रॉस डी, तो B क्रॉस D इक्वल्स टू क्या लिखेंगे I J K थ्री टू माइनस टू वन टू माइनस वन लिखे हुए ना, एज B है एज D है, उसका यहाँ से ले लिया हम I इंटू माइनस टू माइनस माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर माइनस J इंटू क्या कहेंगे थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस टू प्लस K इंटू क्या कहेंगे सिक्स माइनस टू थ्री टू जो सिक्स माइनस टू सिक्स माइनस टू
क्या आएगा देखिए, अभी ये देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, डी की वैल्यू गलत लिया ऐसा दिख रहा है। देखिए डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, डी की वैल्यू ठीक है, बी डी ना, तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये चेंज कर लेंगे हम, 1 बी की वैल्यू, फिर -6, फिर क्या बोलिए -4, -4 डी की वैल्यू कहाँ से लिए पता नहीं, गलत हो गया था अपना। तो डी की वैल्यू क्या है, बी डी है ना, डी है 1 -6 -4, तो क्या आएगा, -4 इंटू -12 हो जाता है ना, 3 इंटू माइनस सॉरी ये देखिए यहाँ पे चेंज कर लिए, फिर से पूरा करना पड़ता है, तो +2 -12, -1 +2, तो क्या होता है -10, -1 +40 हो गया, +40 ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, बी क्रॉस डी मालूम करना है, बी क्रॉस डी में भी क्या होगा, ये 1 -6 और ये क्या जाएगा, 1 -6 -4, तो क्या लिखेंगे बोलो, आई इंटू -8 -12 होता है, -8 माइनस, देखो ये माइनस प्लस इंटू माइनस, -8 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, पहले का बाकी आता 12, ये एक हो गया, फिर जे लिए तो कहेंगे -12 -12 -1 +2, लास्ट में क्या बचा, के इंटू -18 -2, के इंटू -18 -2, चलिए ये हो गया बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस डी इक्वल्स टू कहेंगे -20i -1 +10j -20k। अब मॉड क्या होगा बोलिए, मॉड ऑफ बी क्रॉस डी इक्वल्स, तो अपन देखें अभी रूट में स्क्वेयर्स लेना, माइनस लिखने की जरूरत है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 20² + 10² + 20² एक काम करो, इसमें से कॉमन ले लो भाई अंडर रूट ऑफ, इसमें से अगर आप 10² कॉमन ले लिए तो क्या बचता है, 10 2 जा होता है ना 2² 4, 10 1 जा होता 1² बचता 1, 10 2 जा होता ना 2² 4, तो क्या होगा देखिए, ये रूट स्क्वायर कैंसिल, 10 4 + 4 8, 8 + 1 9, रूट 9 क्या होता है 3, ये हो गया 30 ठीक है। नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे इधर हूँ, फिर से फॉर्मूला फॉर्मूला डालो, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस इज डी इक्वल्स टू, ठीक है तो क्या आएंगे बोलो, यहाँ पे इधर हूँ मैं, डी इक्वल्स टू ये फॉर्मूला डालना फिर से, इसकी वैल्यू क्या है हमारे को, पहली वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई, फिर इसके नीचे की वैल्यू क्या है अपने को 30, अभी करना भाई इसकी वैल्यू अभी सॉल्व कर, 40 है इसकी वैल्यू 30, तो 0 0 कैंसिल, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 4/3 यूनिट्स, d इक्वल्स टू 4/3 यूनिट्स है ना, यहाँ नीचे देखो जगह नहीं है, है ना, अगर लिखे तो फिर से डालना, कैसे लिखते बोलो, दे फोर डिस्टेंस d इक्वल्स टू मॉड ऑफ बॉक्स c - a b d डिवाइड बाई b क्रॉस d, मॉड ऑफ इसकी वैल्यू आ गई थी यहाँ पे ऊपर 40, तो सबसे 40 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू आ गई थी 30, 0 0 कैंसिल 4/3। तो भाई आज सिर्फ दो क्वेश्चंस काफ़ी है इसमें, चलो बड़े क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है ना, एक क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट इक्वेशन डाला था आर इक्वल्स टू a + tb, आर इक्वल्स टू c + sd, लेकिन दूसरे इक्वेशन में पॉइंट्स दिया, तो दो पॉइंट्स मिला के पहले इक्वेशन हम करें, सपोज OA एंड OB है, तो इक्वेशन क्या होगा, आर इक्वल्स टू OA + t (OB - OA), वैसे CD का इक्वेशन मालूम कर लेके सॉल्व करें, तो भाई आप लोग प्रैक्टिस करिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, है ना, बगैर बुक के नहीं बैठना, बुक और क्या है रफ बुक ले लेके पेन ले लेके बैठना, जो देखिए हम उसको फिर प्रैक्टिस करना, इसकी पूरी नोट्स भी बनाना, हम जितने पार्ट्स बन रहे हैं ना इसकी नोट्स बना लीजिए आप लोग, आप लिख लिए बेहतरीन नोट्स बन जाती है, इम्पोर्टेंट वाइज जो है पूरे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो नोट्स भी बन जाएंगे इम्पोर्टेंट की, है ना, फिर उसको क्या करना, हम रफ बुक में बगैर देख के प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह खाली देखने से नहीं आता मैथमेटिक्स, कभी भी देखने से नहीं आता मैथमेटिक्स, पेन और बुक लेके प्रैक्टिस करने से आता, तो गुजारिश है भाई आप लोग को अगर समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।